इंदिरा पॉइंट साउथर्न मोस्ट हेलीपैड ऑफ इंडिया, ये है इंडिया का लास्ट हेलीपैड। देखो तो ये देख झुंड, अभी एक बज रहे हैं और अभी तक इंदिरा पॉइंट नहीं पहुँचे। पूरा ट्रिप का सत्यानाश होना इसको बोलते हैं, आज पता चला। उनका आत्मा को हमेशा शांति मिले, शायद उनका आत्मा अभी भी यहाँ पर भटक रहा होगा। हम भी बच गए, जा रहे हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ इंदिरा पॉइंट फिर से अपने फैमिली के साथ, तो वीडियो में बने रही है। जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। लाइक बटन तो दबाते नहीं हो, 1000 व्यूज में था, लाइक नहीं आता, वीडियो आगे बढ़ता ही नहीं, आप लोग सपोर्ट करते ही नहीं। इसी तरह चलता रहना, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, ये हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड का मैप, जो हमारा मेन लैंड है, जो मेन स्टेट वगैरह है वो इस साइड पड़ता है, ऊपर की साइड। तो यहाँ से आप देखा जाए तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड ऊपर पड़ता है और नीचे जो पड़ता है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये है हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड, इसी में इंदिरा पॉइंट भी है। तो दूसरा मैप में देखते हैं और यहाँ पर देखिए ग्रेट निकोबार आइलैंड ये है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर पड़ता है, ये है मेन कैमल भी बाजार। यहाँ से हमें जाना पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, जो कि 62 किलोमीटर पड़ता है, मेरे घर से भी 62 किलोमीटर पड़ेगा। मम्मी रेडी हो गई? नहीं भाई, बच्चा होने वाली है। अरे जल्दी रेडी हो, बहुत लेट हो गया ऐसी। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? चलाओ, काटना मत प्लीज। आओ, काटना मत। अरे इंदिरा पॉइंट जाने वाले थे, गाड़ी में यहाँ पे सांप घुस के बैठ चुका है। तो ये गुड साइन लूँ मैं इसे या नेगेटिव में लूँ तो पता नहीं, गुड वेव में लेते हैं। तो हर हर महादेव, महादेव हमारे साथ है, हमारी गाड़ी पे हमारी रक्षा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर से एक बार बोलो हर हर महादेव। अभी हम 30 किलोमीटर कंप्लीट करके पहुँच चुके हैं गांधीनगर बस्ती। यहाँ पर दुकान पर रुके हैं, थोड़ा कमर वगैरह सीधा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई रोड। हम निकले थे घर से 10 बजे और अभी बज रहा है 11। एक घंटा लग गया 30 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए और 32 किलोमीटर बचा है यार, 32 किलोमीटर बचा है। मेरे साथ कौन कौन जाता है मैं मिला देता हूँ। ये अंकल है, ये आंटी और मम्मी पापा सब जा रहे हैं। चाची की मतलब है? बोलने ही वाला था। यही है इंग्लिश में आंटी, मतलब आंटी ना ऐसे आप दूर की हो जाते हैं, सही है। मेरे को इंडिया के बाहर के हो जाते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ 35 किलोमीटर, जिसे शास्त्री नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इंदिरा पॉइंट का जो मेन रोड है ना वो स्टार्ट होता है, चलाते अभी आगे। तो इंदिरा पॉइंट वहाँ पर है, लाइट हाउस भी दिख रहा है लेकिन आपको अच्छे से दिखे नहीं। आज का पानी देखिए ना, काफी प्यारा लग रहा है, मतलब शांत है, हवा नहीं चल रहा है, बहुत ही प्यारा यार। यहाँ तो देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन यार, करने मिले तो मजा आ जाए। तो चलिए काफी दूर जाना है और ये 38-39 किलोमीटर पड़ता है। तो आज जो है ना बारिश गिरा हुआ है, बहुत ज्यादा रोड स्लिप हो रहा है। मम्मी पापा आगे चले गए, हम कैमरा सेट करते, कभी गाड़ी इधर कभी गाड़ी इधर, ये ऐसा ऐसा जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार, गाड़ी देखो इधर से। हाँ नहीं, मज़ा आता है मेरे को तो भाई, क्या स्लिप हो रहा है, बहुत ऊँचा, ब्रेक भी नहीं लगता, स्किड होता है, सब डर रहे हैं पीछे आने के लिए। और मेरे को तो ऑफ रोड मिल गया, खड़ा कर देने से अच्छा रहेगा, खड़ा कर देने से ही ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू भैया। कैसा लगा? और एक जगह है ना? हाँ आगे और एक जगह है। नहीं, इसका बाद कच्चा रास्ता शुरू हो जाएगा, ये चढ़ाना रिटर्न में पार कर लेंगे बारी बारी। और तो कर ही लिया, अभी और सोचना है। वो तो वो वाला सर, वो ये पूरा जुगनू इलाका है, ये मैंने आपको दिखाया था व्हाट्सएप, कितना मस्त है ना। अरे गाड़ी किधर जाता है? क्या बोले?
यही दो जगह खराब है ना। हाँ मतलब हम भी बच गए। पापा का ट्रिप थी। पापा तो सांप बनाते हैं। क्या हो गया आप लोगों का? जाम हो गया ना। तो क्या इसके अंदर सब भी? अब ये नहीं। चलो चलो पैदल जाएंगे। बारिश आ रहा है ना? हाँ बारिश भीगते देखा तो रंग दुगारी ना। सामने चक्कर फिर जाम होगी। नहीं जाएगा भाई तो आप तो ठीक पता है। अभी एक बज रहे हैं और अभी तक इंद्रा पॉइंट नहीं पहुंचे। पूरा ट्रिप का सत्यानाश होना इसको बोलते हैं। आज पता चला बैंड बज गया पूरा ट्रिप का। तो देखिए देख सकते हो यहाँ पे काफी लोग फंसे हुए यार। ये सामने में रख दिया। आपको यहाँ से साफ करके जाएगा, तीन जगह और साफ करना। हुआ एक गाड़ी, हुआ गाड़ी सब जगह भाई। वही तो अभी हार नहीं मानेगा। गाड़ी यहीं खड़ा करके गया था उस दिन। हाँ तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचा गाड़ी। सब बोल रहे हैं मत जाओ मत जाओ, आ गया तो जा के आएगा। फिर कैसा लग रहा है आगे जा लिया? हाँ नीचे तक कीचड़ कीचड़ हो गया। पोपट पोपट यार। आज कोयल चिल्लाता देखो, ये कोयल का आवाज है। इसका आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीला है यार। उस दिन रात के 2 बजे मैं यहाँ पर दौड़ रहा था, आज अभी दिन के 2 बजे यहाँ पर घूम रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर चलना। उस दिन बहुत परफेक्ट था, सब पीछे है। तो देखिए देख सकते हो मैं फिर से पहुँच गया हूँ चुड़ैल वाला पेड़। अब इससे जाके थोड़ा गला गला मिलते हैं, जब भी पाएंगे अभी चुड़ैल के साथ। ये उसका बहन। ये पेड़ का जो छाल है ना सही लगा यार। तो मम्मी को मिला दिया चुड़ैल वाला पेड़ से, बहु बना लो चुड़ैल को। तो आया हूँ मैं अभी चुड़ैल से मिलने, चुड़ैल वाला पेड़ से। गल जप्पी पा के जाएंगे। हाँ जप्पी मिल गया, चुड़ैल वाला पेड़। वैसे पेड़ को प्यार करना चाहिए, आप लोगों को पता ही होगा। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, सारे पेड़ से प्यार करना चाहिए लेकिन खासकर चुड़ैल वाले पेड़ से। आज तो रात को मेरे सपने में आएगी, अगर आएगी तो पक्का मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर मिला है पाखू। देखिए देख सकते हो कीड़ा लग गया, मुझे दिखा नहीं था। चलो ना ऐसा खोल सकते हैं फिर ये खा सकते, कच्चा लगता है। पका वाला नहीं है, मुँह कड़वा कड़वा हो गया। 58 किलोमीटर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है। देख सकते हो लोग यहाँ पर खाना खा के प्लेट वगैरह फेंक के रखी है दोनों साइड, और कहीं कहीं जगह बोतल प्लास्टिक पन्नी वगैरह सब पड़ा है, ठीक है। मैं यही बोलूँगा जो भी वीडियो देखते हैं, जो लोग भी आते हैं ना, थोड़ा अक्कल है कि नहीं आप लोगों को? कहीं भी खा के कहीं भी फेंक देंगे। अभी सच बोलते जैसे ना यहाँ आना भी बंद हो जाएगा, पता अक्कल ना घास चरने के है सब लोगों का। सच ही है सब, जैसा लेके आओ वैसा लेके जाओ ना घर। अभी लोगों वजह से ऐसे ही चलता रहा ना फिर बंद ही हो जाएगा। ये लोग का भयंकर गुस्सा आ रहा है। अभी हम 59 किलोमीटर क्रॉस करे हैं और बारिश शुरू हो गया यार, ज़्यादा बारिश आ गया, चलना मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी फंस जाएगा, लेके जाना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश गिरा और यहाँ पे कम गिर रहा है, आ गया बारिश सस्ते सस्ते। तो देखिए देख सकते हो ये सब ना कोरल्स पत्थर है, ठीक है। ये सब जमीन के अंदर था कोरल्स वगैरह, तो इसका मतलब यही है कि सुनामी से पहले बहुत या उससे भी ज़्यादा पहले ये सब समुंदर हुआ करता था। देखो कोरल सिर्फ का पत्थर लग रहा है, और क्या है कि बहुत साल पहले यहाँ पर समुंदर था, फिर जमीन बन गया था उसके ऊपर। अभी पता चल रहा है पेड़ वगैरह हो गया,
जब दोबारा सुनामी आया तो वो जो समुद्र का था पहले वापस अपना समुद्र अपना जमीन ले लिया। मतलब जब सुनामी जब अर्थक्वेक वगैरह आता ना प्लेट ऊपर नीचे हो जाता, और ये समुंदर था पहले जमीन बन गया तो फिर से समुंदर बन रहे क्योंकि कोरस पत्थर देख के मालूम हो रहा है। और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ तक आ गए, अभी जाते समय इनको मालूम चलने वाला। हेलो जी, की हाल चाल, फिर से मुलाकात। ये इंदिरा गांधी वो लाइट हाउस, फिर से मैं पहुंच चुका हूँ लाइट हाउस। देखिए तो यहाँ पर ये देख कितने सारे केकड़े हैं और सब खा रहे हैं। ये क्योरी मैं बोल रहा था ना, ये उसका पेड़ देखिए, ऐसे ये घोंगे वाले केकड़े खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा है। देखो तो ये देख झुंड, ये देख पीछे है लाइट हाउस। और लाइट हाउस के बारे में दिया उस दिन बताया नहीं था, आज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इंदिरा पॉइंट लाइट हाउस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, ठीक है, लोअर तरफ से है। और टावर का जो हाइट है ना 35 मीटर हाइट है आयरन का, और बाकी सब देख लो आप। और आपको यह लाइट हाउस इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता था, 60 माइल्स फ्रॉम इंडोनेशिया, ठीक है, सुमात्रा स्ट्राइक ऑन टी सुनामी 26/12/2004, इसमें हुआ था। टोटल 11 मेंबर्स का डेथ हुआ था यहाँ पर, मतलब 11 लोग यहाँ पर मरे थे। पहले ऐसा था सुनामी के बाद, अभी ऐसा है, 11 लोग मरे थे, उनका आत्मा को हमेशा शांति मिले। शायद उनका आत्मा अभी भी यहाँ पर भटक रहा होगा शायद। इंदिरा पॉइंट का हेलीपैड है, उस दिन छूट गया था, आज उसे कवर करते हैं, ठीक है, आज कवर करके जाना है, इसलिए मैं वापस आया। हेलीपैड जाने का जो रास्ता है ना काफ़ी प्यारा है यार, दोनों साइड क्यूरी का पेड़ है, उसके बीच से रोड है, तो देखिए तो बीच में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया यार, एकदम घना है यहाँ पे पत्ती वगैरह, और फिर से उजाला आ रहा है, कुछ अलग ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट साउथर्न मोस्ट हेलीपैड ऑफ इंडिया, यह है इंडिया का लास्ट हेलीपैड, मतलब पीछे है। और मेरा हेलीकॉप्टर छूटने वाला है, चलिए चलिए भाग गया है पीछे, ये मैं पहुंच गया, मतलब हेलीपैड, और हेली नहीं आया मेरा फिलहाल, हेली उतरने के लिए जो एच लिखा रहता है वो यहाँ पर है। ये देखने का बहुत दिल था, उस दिन छूट गया था, आज कवर कर लिया। तो मम्मी मेरे साथ अभी जा रही है लाइट हाउस चढ़ने, पानी बहुत ज़्यादा है, बोलने से मैं सुन नहीं रही है, जाएगी बोलती हीरोइन बन के, बोला पहले गए, मम्मी से होने वाला है नहीं, ये रस्सी भी नहीं है, रस्सी था वो, देखो मम्मी नहीं आ रही, मम्मी को बहुत आने का दिल था, हसबा बहुत ज़्यादा है। जो मैं फ़ोन लेके जा रहा था, मैं सोच रहा था अपने जो मेरे मेन मेन दोस्त हैं जिनसे मैं टच में, उनको फ़ोन करूँगा चढ़ के, लेकिन वो तो नहीं हो सकता। सब्सक्राइबर मिला था, बोलना भी मुश्किल है, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है यार, एक बार चढ़ के आते हैं, मेन रिस्क है पता। मैं पहुंच चुका हूँ, एक हेल्पर आया, डेंजर एडवेंचर है। भाई पकड़, काफी ज्यादा मुश्किल है यार, बहुत हल्का है, पीछे देख सकते हो ये टूटा वाला, मोस्ट वीडियो में आपने देखा था ये कैसे होता है हल्का मार मार के। देखिए वहां पर मम्मी और पापा आ रहे हैं, पापा मम्मी को लेकर आए, मम्मी को चढ़ने बहुत दिल था पर मुझसे संभाला नहीं जाना था, इसलिए कैमरा वगैरह पकड़ा ना। Thank you.
तो मम्मी आ गई है, बोलने से सुनेंगे नहीं। हाँ इधर देख क्या, वो ये राड ऐसी सड़ गया। देख के इधर आके में लग जाएगा। कैसा लगा वो उठा के आ जाते एक जगह इधर से जाते समय। चलो चप्पल पहनो, चलो ऊपर देखे। मैं आया हूँ फिर से, मम्मी भी आए चाहिए। मम्मी का हालत खराब हो गया और कितना ऊपर है। पहुँचे, ये मम्मी कैसे चढ़ेगी पता नहीं। जा इसमें चढ़ो, तुम चढ़ो, हम तो चढ़ जाएगा। मम्मी भी चढ़ गई, मम्मी जा रही है बाहर व्यू देखने। अब चक्कर मत खा के गिर देना। हो व्यू में पहुंच चुके हैं, कैसा लग रहा है ऊपर आके? नहीं आता, आंटी लग जाती है। तो नीचे का तो व्यू का बस है, जान दो थोड़ा आवाज जाते। इंदिरा गांधी जी का स्टैचू वहाँ पर, इंदिरा पॉइंट बीच है यार, टाइम रहता तो जाके आ सकता था। पापा भी आ गया और मम्मी नहीं आएगी जिंदगी में कभी। ये वीडियो है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यार व्यू देख के। मज़ा आ गया। चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पे ना फिश का झुंड है यार, बहुत बड़े बड़े वो दे ब्लू ब्लू लाइट ग्रीन, देखिए देख सकते हो, जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए तो कितना बड़ा झुंड है यार, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इनके साथ ये कोरल ट्रिप सच में एक बेहतरीन वाला है। मम्मी और पापा नीचे उतर रहे हैं, मेरे को भी जाना है अभी। ये है इंदिरा पॉइंट के लाइट हाउस से लिया गया वाला व्यू। और पीछे मौसम खराब होने के कारण ना काफी ज्यादा बड़ा बड़ा लहर आ रहा है और व्यू तो एक नंबर। मम्मी लोग नीचे मुश्किल हो रहे हैं, मैं वीडियो बनाने आराम से जाऊंगा। और एक एक मैं बात आपको बता देता हूँ, दरअसल मैं फ़ोन लेके आने वाला था, दोस्त लोग हैं ना जो मेरे टच में, उनको कॉल करने वाला था लेकिन हल्का ज़्यादा होने के कारण मैं फ़ोन नहीं लेके आया। मैं फ़ोन लेके आने से ना पक्का एक एक को ढूंढ के आराम से यहाँ कॉल करना था, क्योंकि मैंने उस दिन वाला वीडियो में देखा था, वीडियो को स्लो करके उसमें टावर था। दोस्तों मेरे व्यूअर्स और आप लोग सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे तरफ से, जो भी मुझे कमेंट करते हैं और मेरा वीडियो लाइक करते हैं आप सभी को। बस आप लोग ऐसे साथ देते रहो, हर एक वीडियो लाइक करते रहो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। और इतना प्यारा व्यू में खड़े हो कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा। चलिए वापस नीचे चलते हैं, आप लोगों सभी को शुक्रिया अदा करना था, मैंने कर दिया। प्लीज़ सपोर्ट करते रहो यार। ये है इंदिरा पॉइंट का लास्ट आइलैंड, साउथ मोस्ट ट्रिप ऑफ इंडिया। ये जो आपको सामने एरिया दिख रहा है ये पूरा इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट के जंगल, इंदिरा पॉइंट का बीच, ये है इंदिरा पॉइंट का लाइट हाउस जो आपने अभी देखा, साउथ मोस्ट टिप ऑफ इंडिया यही है। इसके आगे नो लैंड, अपना लैंड नहीं, अपना अंडमान सी है। ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पर है, उसके आगे है फोर व्हीलर वगैरह, वहाँ पर मेलेंट्स वगैरह, चेन्नई मुंबई कलकत्ता सब यहाँ पर पड़ेगा। ओके चलिए वापस चलते हैं नीचे, बहुत ही रिस्क है, पीछे का लहर सब तो देखिए। अब जाना ना, मेरे पीछे कोई भी नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ भाई। ये सीढ़ी खत्म ही नहीं हो रहा, कब से उतरे जा रहा हूँ। ये मैं करना चाहता हूँ लेकिन मम्मी लोग साथ में चिल्लाएंगे, कर लूँगा पता है। अभी ज़्यादा रिस्क है, बटन तो एक दिन कैमरा पकड़ लेता। हो टाटा लाइट हाउस ऑफ इंदिरा पॉइंट, देख अल्पा आया, अल्पा ज़्यादा हो चुका है। देख अल्पा आता है, सीढ़ी को पकड़े रखेंगे। तो चलते हैं, बड़ा अल्पा आता है दो और पानी तान रहा है।
अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। और कोई भी नहीं है मेरे पीछे, सब जा चुके हैं, सब पार, अकेला बगैर पानी। ओदे बड़ा अल्पा आ गया। अपने आप पोजीशन बना लेना चाहिए हमें अल्पा आने से पहले, नहीं तो आपको उठा के कहीं भी फेंक सकता है। आ गया एक अल्पा। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया, मम्मी लोग खा चुके थे, मैंने खा लिया। और अभी फ़िलहाल ना मैं इंद्रा पॉइंट के राइट साइड जो राइट में पड़ता है और ईस्ट की साइड पड़ता है वो बीच की साइड देख रहा था बस। ये देख कोरल्स, डेड कोरल्स रीफ। तेरा माता आगे जाके थोड़ा फोटो खींच के। कौन था आगे? बैग लेके जाएगा? हाँ चलते रहो, हम आता हूँ। फिलहाल अभी 4:15 बाकी है, मम्मी लोग अभी निकले, थोड़ी देर बाद निकले। पीछे सनसेट हो रहा है, फिलहाल तो मेरा सनसेट तक रुकने का वो था लेकिन रुक नहीं सकता, पहुंचना भी है और घर पहुंच रहते तो 8-9 बज जाएगा लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है 4:15, लेट हो गया, फिर से मैं थोड़ा चले गया था फ़ोटो खींचने। अच्छा अच्छा तो मम्मी लोग निकल चुके हैं, अभी मम्मी लोग को कैच करना है सबसे पहले, आई थिंक कर लूँगा। भाई रैली किट लगा के एक्सपल्स रहता ना, मज़ा आ जाता। 1-1.5 किलोमीटर मुझे किसी ने लिफ्ट दे दिया, एक भैया थे वो आ रहे थे, उनका गाड़ी फंस गया तो मैंने निकाल के दिया। तो अभी टाइम हो रहा है 4:56, मम्मी लोग मिल गए थे, अंकल लोग सामने जा रहे हैं, मम्मी लोग पीछे मिल गए थे, अभी 15-20 मिनट पहले मिले थे। इतना लोगों का बाइक वहाँ पर खड़ा हुआ था ना जो लोग गए थे, अब सबका सब बाइक में कीचड़ फंसा, सब रो रहे हैं वहाँ पर, हमारा क्या होगा आगे पता नहीं। मज़ा ले रहे हैं। टाइम हो रहा है 5:05, जहाँ पहले हम खड़ा कर रहे थे उस दिन गाड़ी वहाँ तक हम आ चुके हैं, मम्मी लोग आ रहे हैं और हमारा गाड़ी और भी दूर है यार, लग गई वाट। टाइम हो रहा है 5:11, गाड़ी तक पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अब गलतियाँ का पार होता पता नहीं। आता आता 5:20 हो रहा है। इंद्रा पॉइंट का 10-9-8 किलोमीटर के आसपास बहुत बारिश हुआ, ये साइड बारिश नहीं हुआ यार, अभी भी इंद्रा पॉइंट जाने वाले मतलब गलातिया के पास में है वो साइड बारिश हुआ है, ये साइड बारिश नहीं है। दोस्तों मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ, टाइम हो रहा है 7:53, पहुंच के मुझे 5 मिनट हो चुका है। मम्मी लोगों को 6 बजे ही मैंने छोड़ दिया था, मम्मी लोग बोले तुम जल्दी घर चले जाओ, तो मम्मी लोगों को 6 बजे से छोड़ के अभी हम 8:10 पहले घर पहुंचा। और हम करीब करीब कितना 3:30 बजे से निकले थे, मैं 4:15 के आसपास निकला था, मम्मी लोग वही 3:30 या 3:45 के आसपास निकले थे, अभी भी नहीं पहुंचे और मैं थोड़ा स्पीड में आया इसलिए पहुंच गया। तो आज का जो एक्सपीरियंस है ना एडवेंचर का बहुत ही बुरा था, आते समय आप लोगों ने देखा कि क्या हाल था, इससे पहले वाला वीडियो बहुत ही सही था लेकिन अब जो बुरा हाल था ना मत पूछो। इंद्रा पॉइंट जाना बोलने से बहुत मुश्किल, काफ़ी लोग तो जा चुके थे, रिटर्न में बारिश गिर गया, उनको पता भी नहीं रहा, वो धक्का वक्का मार के गाड़ी ला ही रहे होंगे अभी, उनको तो पहुँचते 11 बज जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा लग रहा है। तो ठीक है, ओके चलिए टाटा बाय बाय, इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय।